कौन सा क्वेश्चन है 5.2 का 18 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना। इस तरह से ये होगा, चौथे और आठवें पद का योग दिया है, कितना दिया है 24 दिया है, ठीक है, और साथ में छठे और दसवें पद का योग कितना दिया है 44 दिया है, ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं एपी के प्रथम तीन पद याद करना, बड़ा सवाल है और आईएमपी है, ठीक है, हमारे प्रश्न बैंक में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो देखो ऊपर की लाइन में चौथे और आठवें पद का योग दिया है, ठीक है, तो पहले इसको पता लगाना पड़ेगा कितना है, ठीक है। तो देखो पहला चौथा पद क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो फॉर्मूला याद है हमको, a प्लस n माइनस वन चौथा दिया है, ये चौथा जो है वो क्या है, n है कि m है, पता हमको a चौथा दिया है, तो n है कि m है, n बराबर दिया है चौथा पांचवा छठवा सातवा आठवा नवा दसवा या कुछ ही बोलते हैं, उसमें वा लगा हो बाद में दसवा, तो क्या होता है वैल्यू कितनी दी है, पहले अपने से इसको उठाया, अभी बाकी कुछ नहीं किया, पहले इसको समझना, चौथा दिया है तो चौथा पद में एन बराबर कितना है 4, इधर एन की वैल्यू नहीं, जिससे पहले वाले क्वेश्चन में एन दिया था तो एन दिया था, ठीक है। तो देखो एन तो हमारा ऐसे रहेगा, इस एन की जगह ध्यान से समझना, थोड़ा सा चेंज होगा, इस एन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 4, और नीचे 4 लिखा है, एन की वैल्यू है, ठीक है, ए की वैल्यू है क्या, नहीं है, एन एन की वैल्यू क्या है 4 माइनस 1 डी, तो ए 4 छोटा सा बनाना है, बराबर ए प्लस 4 में चेक गए डी, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, ये हुआ, इसको यहाँ पे समीकरण 1 दे सकते हैं, ठीक। अभी सिर्फ ये निकला है, अभी इसके साथ क्या निकाला है 8 पर, ठीक है, इसी तरह आठवां पद, ठीक, आठवां पद में एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो गई, 8 बार दिया है, ठीक है, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, एन एन कितना दिया है 8, यहाँ लिख सकते हैं अपन ए की वैल्यू वैसी रहेगी प्लस एन की जगह पर 8 माइनस वन डी, तो ए 8 रहेगा यहाँ पे, ए प्लस 8 में से एक है वो क्या हो जाएगा 70, ये मान लो दूसरा समीकरण, ठीक है। अब ध्यान समझना, चौथे और आठवें पद का योग दिया है कितना 24, ठीक है, तो ये चौथा पद और ये आठवां पद, ठीक है। अब देखो ऐसे लिखो 4 और 8, ठीक है, दोनों साथ लेंगे, ठीक, फोर्थ और एट, तो फोर्थ पद क्या निकला था हमारा ए प्लस 3d, प्लस जो मतलब क्या होता है प्लस, तो ये क्या निकला हमारा ए प्लस 7d इक्वल टू 24, ये डायरेक्ट हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इसको हमने पहले इक्वेशन बना ली, ये बन गई और ये बन गई, इन दोनों का योग है 24, ठीक है। अब इसमें देखो क्या सॉल्व कर सकते हैं, एक ए ये और एक ए, कितना हो गया 2a प्लस 3 और 7 कितना हो गया 10d, 10d बराबर 24, पहली कंडीशन ये हमारे एक इक्वेशन बन चुकी है, अगर इसको छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है सभी में एक जैसे पदों का एक ही संख्या का डिवाइड करना पड़ेगा, दूसरे सब में जा रहा है, ठीक है, ये मन से करते हैं हम, चाहो तो नहीं भी करो, चाहो तो कर भी सकते हो, ठीक है। देखो 2 से 2, 2 5 10, तो करेंगे 1 और 2, तो क्या हो गया ए प्लस 5d इज इक्वल टू 12, दो इक्वेशन बन गए थे, इसको अपन 3 नाम दे, आया समझ में, ठीक। अब देखो चौथे और आठवें पद का जो कितना है क्या गया, इसी तरह छठे और दसवें पद का निकाल, ठीक है, जैसे कि हम लिखेंगे 6 पद, ठीक है, देखो इसमें क्या है, एन की वैल्यू क्या जाएगी 6 आएगी, ठीक, देखो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा ए प्लस ए माइनस वन एन, तो ए की जगह क्या, एन की जगह क्या लिख देंगे 6, ए प्लस 6 माइनस 1 डी, तो ए 6 ए प्लस कितना हो गया 5, 4 इक्वेशन 3 इक्वेशन बन गए थे, इसको चौथा नाम देते हैं, ठीक। फोर्थ बन गई, कौन सा निकल गया, छठे का निकल गया, देखो फोर्थ हो गया
8 हो गया, ठीक। अब इन दोनों का जो क्या 44 है, अब क्या 10 बराबर है। इसी तरह दस बार पर, ठीक। इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 n इज इक्वल टू a प्लस a माइनस 1। ये फॉर्मूला बार बार लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट मत कर, समझ में आता। तो a 10 बराबर a प्लस a माइनस 1, ठीक। तो a 10 बराबर a प्लस कितना 90। अगर समझ में, चार ही हो गया, 10 में से 1 का 9 और 3 का उसमें गुणा कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया, इन दोनों का योग कितना है 44, ठीक है। देखो 6 और 10, ठीक। इनका योग अपना 44 है, देखो हमारा a प्लस 5t प्लस a प्लस 90, a प्लस 90 बराबर 44। ए कितना हो गया 2a प्लस 14d 44। अब जब इसमें भी 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक। देखो 2 2 2, 2 से 2 गया, 2 से 1 जा, क्या बचा 22। तो a प्लस 70 इक्वल टू 5 हो गया, ये हो गई सेट, ठीक। तो देखो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 70 इक्वल टू 22। ये हमारा इसका भी निकल गया और हमारा इसका भी निकल गया, नोट करो। देखो अब इसके बाद जो होना है वो हमने पहले किया है, इधर a प्लस 5t 12 और a प्लस 7t 20, ठीक है। तो समीकरण कौन सा है, एक तो तीसरा और छठा, ठीक। देखो ये पूरा हमको लेना है, तो a प्लस 5t इक्वल टू 12 और a प्लस 7t इक्वल टू 20, ठीक। अब यहाँ पे फिर से विलोपन विधि, ठीक है। चिन्ह समान संख्या समान चिन्ह, हाँ ऐसा समझ में, संख्या समान चिन्ह हुआ सब में सब है, ठीक। कैसे है कैंसिल, प्लस का 5 माइनस का 7, प्लस माइनस 7 में तो 5 जाए, प्लस का माइनस 7 बड़ा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 22 में से 12 गए, 2 में 2 गए 0, 2 में से 1 गया 3, प्लस का माइनस का माइनस का, तो t इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस का 2, माइनस माइनस का 2 कैंसिल, तो 5 का 3, तो t की वैल्यू क्या आ गई 5। t की वैल्यू जैसे x y की निकालते हैं वो t की वैल्यू आ, ठीक है। अब इसको हम दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, तो t का मान समीकरण का मान समीकरण 3 में, ठीक है। तो a प्लस 5, d की वैल्यू क्या है 5 बराबर, कैसे होगा ये पूरा वैल्यू हमने बता दी, a की वैल्यू है 5 की जगह 5, d की जगह क्या रख देंगे 5 रख देंगे, ठीक है। और बराबर क्या चल रहा है 12, तो a प्लस कितना हो गया बराबर 12, a प्लस 12 25 उधर गए तो माइनस का 25, a बराबर 5 में 3 में 2 गए 3, 2 में से 1 गया 1 पर माइनस का, d की वैल्यू ये और a की वैल्यू माइनस 13, क्लियर हुआ। अब उन्होंने लास्ट में पूछा ap के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो a और d की वैल्यू हमने रख दी थी और उसको हम लेकर आए कि प्रथम 3 पद कैसे ज्ञात होंगे, इसीलिए हमें थोड़ा और समझना पड़ेगा। प्रथम 3 पद, अब देखो ये कैसे निकाले जाते हैं,
ठीक है, जो सबसे पहली संख्या होती है एपी में वो ए होती है। देखो प्रथम पद तो जो हो गया प्रथम ए होता है, ए की वैल्यू है माइनस 13, ये प्रथम पद है ठीक है। उसके बाद अगर बोले द्वितीय, द्वितीय निकालने के लिए ए प्लस डी होता है, क्या होता है ए प्लस डी। जब ए की वैल्यू क्या है माइनस 13 प्लस डी की वैल्यू क्या है 5, उसको सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस 13 मतलब 5 गए 8, 8 की नो जल्दी बताओ, माइनस का 8 जो कि 13 क्या है बड़ा है ठीक है। द्वितीय पद हो गया और तृतीय है ए प्लस 2d, ऐसे बढ़ाते जाना है। अगर चतुर्थ पूछे ए प्लस 3d फिर ए प्लस 4d, इस तरह से पूरा होगा ठीक है। अब देखो ए प्लस 2d मतलब माइनस 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी, डी की वैल्यू क्या है 5, माइनस 13 ऐसे ही रहेगा प्लस 5 दूनी 10, माइनस प्लस माइनस 13 में से 10 गए 3, माइनस का 2। तो इस तरह माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3 ये भी बन गया। प्रथम तीन पर कुछ इस तरह निकलेंगे, क्लियर, नोट करो।